देश के कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और कुछ में अभी बाकी है, तो वहीं 2024 में लोकसभा चुनाव, जिसको लेकर क्षेत्रीय पार्टियों से राष्ट्रीय पार्टी तक अपनी कमर कसकर मैदान में नजर आ रही है, जिसको लेकर चुनाव आयोग भी चुनावी प्रक्रिया को दुरुस्त करने के लिए तैयारियों में जुटा है। और इन्हीं तैयारियों के चलते चुनाव आयोग की ओर से 10 अप्रैल को आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया, तो वहीं 3 पार्टियों से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया। और इन 3 पार्टियों में TMC, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का नाम शामिल है। अब इन 3 पार्टियों का राष्ट्रीय दर्जा छीन जाने के बाद आम आदमी पार्टी को मिलाकर देश में अब सिर्फ 6 राष्ट्रीय पार्टियां ही बची हैं, जिनमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी शामिल है। चुनाव आयोग ने इन 3 पार्टियों की राष्ट्रीयता जाने की वजह भी बताई। आयोग ने कहा कि इन दलों को 2 संसदीय चुनावों और 21 राज्य विधानसभा चुनावों में पर्याप्त मौके दिए गए थे, लेकिन वे इन मौके पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, इसलिए उनका राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया गया। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि चुनाव आयोग के इस फैसले से इन पार्टियों को फायदा होगा या नुकसान। लेकिन इससे पहले हम आपको ये बताएंगे कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने के लिए पार्टी के पास क्या उपलब्धियां होनी चाहिए और ये दर्जा किस आधार पर बरकरार रहता है और किस आधार पर छीन लिया जाता है। पार्टी को कम से कम 4 राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा मिला हो। अगर कोई पार्टी 3 राज्यों को मिलाकर लोकसभा की 3% सीटें जीत ले, किसी पार्टी ने 4 लोकसभा सीटों के अलावा लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में 6% वोट हासिल कर लिया हो। अब बात आती है कि राष्ट्रीय पार्टी बनने के बाद उस पार्टी को क्या फायदे मिलते हैं। पार्टी देश में किसी भी राज्य में चुनाव लड़ सकेगी। पार्टी का चुनाव चिन्ह रिजर्व हो जाता है और कोई भी उस चिन्ह का इस्तेमाल नहीं कर सकता। चुनाव में नामांकन दाखिल करने के दौरान उम्मीदवार के साथ एक प्रस्तावक होने पर भी मान्य किया जाएगा। चुनाव आयोग मतदाता सूची संशोधन पर नेशनल पार्टी को 2 सेट मुफ्त में देता है। पार्टी दिल्ली में अपना दफ्तर खोल सकती है, जिसके लिए सरकार बिल्डिंग या जमीन देती है। पार्टी चुनाव प्रसार में 40 स्टार कैंपेनर्स को उतार सकेगी। चुनाव प्रचार के लिए पार्टी दूरदर्शन और आकाशवाणी का इस्तेमाल कर सकेगी। बता दें कि द इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलाउमेंट ऑर्डर 1968 के तहत चुनाव आयोग ही सभी पार्टियों के स्टेटस की समीक्षा करता है। साल 2019 से अब तक चुनाव आयोग ने 16 राजनीतिक पार्टियों के स्टेटस को अपग्रेड किया और 9 पार्टियों के करंट स्टेटस को वापस लिया है, जिनमें राष्ट्रीय पार्टियों से लेकर राज्य पार्टी तक शामिल है, जिसके बाद उन पार्टियों से ये सभी सुविधाएं भी छीन ली गई हैं। EVM या बैलेट पेपर की शुरुआत में पार्टी का चुनाव चिन्ह नहीं दिखाई देगा। चुनाव आयोग की ओर से बुलाई गई बैठक में इनको नहीं बुलाया जाएगा। चुनाव प्रचार के दौरान स्टार प्रचारकों की संख्या 40 से घटकर 20 हो जाएगी। राज्यों में चुनाव लड़ने के लिए पार्टी को लेना होगा अलग सिंबल। दूरदर्शन और आकाशवाणी से भी स्लॉट छिन जाएगा। आपको बता दें कि TMC चुनाव आयोग के इस फैसले से खुश नहीं है और वो इस फैसले के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी, क्योंकि TMC का मानना है कि उसके पास राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा 2026 तक है। TMC के विरोध का आधार ये है कि 2016 में कानून बदला गया है और इसी समय TMC को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला। नए कानून के मुताबिक पार्टियों के स्टेटस पर 10 साल बाद रिव्यू होना था और इस हिसाब से पार्टी के 10 साल 2026 को पूरे होंगे। तो वहीं TMC के मामले में चुनाव आयोग का कहना है कि 2014 के हिसाब से देखें तो रिव्यू 2024 में होना चाहिए, लेकिन लोकसभा चुनाव में सभी पार्टियों को इसी आधार पर छूट मिलती है। ऐसे में चुनाव से पहले रिव्यू किया गया है। अब इस पर TMC का कहना है कि जब 10 साल का समय पूरा ही नहीं हुआ तो रिव्यू क्यों? अगर रिव्यू करना ही है तो लोकसभा चुनाव के बाद करें। अब देखना ये होगा कि क्या कोर्ट जाकर TMC को वापस राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल पाएगा या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया डिजिटल।